कि जिस तरीके से 2019 में आपने अपना प्यार आशीर्वाद दे करके आपका हेमंत सोरेन जी को राज्य का भार दिया था, उस तरीके से इस बार खास करके गोमिया में हमारे आदरणीय बड़े भैया योगेंद्र प्रसाद भैया को भी आपको मजबूती प्रदान करना है और इनको ताकत दे करके और इनको अगर आपने ताकतवर बनाया तो मतलब आप हेमंत सोरेन जी को ताकतवर बनाएंगे और राज के लिए वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम निरंतर करते चले जाएंगे। आज आप सभी को पता है यहाँ झारखंड में झारखंड बनने के बाद ये पहली बार हो रहा है कि हमारी झारखंड की जो मैया हैं, जो बिटिया हैं, जो बहनें हैं, इस 24 वर्ष में ये पहली बार है कि हेमंत सोरेन जी ने क्रांतिकारी योजना लाई है और उसका नाम है मैया सम्मान योजना। और इस मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की जितनी हमारी बहनें बिटिया हैं, माएं हैं, उनके अकाउंट में 1000 रुपए प्रति माह जा रहा है और चौथी किस्त जा चुकी है। और आज ही खबर आई है, जब हम ये मैया सम्मान लेकर के आए थे तो बीजेपी के जो PIL गैंग है वो इस पे PIL कराए हैं और आज कोर्ट से ये खबर आई है कि ये PIL गैंग वालों का PIL कोर्ट ने खारिज कर दिया है और झारखंड में अब चलेगा तो झारखंड की मैया का सम्मान जोरदार चलने वाला है। और दिसंबर से प्रति माह हमारी माताओं बहनों बिटिया के अकाउंट में दिसंबर से 2500 खटाकट 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 आने वाला। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, साल का 30,000 18 से 49 वर्ष की जितनी भी एक परिवार में बिटिया बहनें माताएं हैं उनके अकाउंट में ये पैसा जाएगा ताकि आर्थिक स्वरूप से आप मजबूत हो सके, मानसिक स्वरूप से आप मजबूत हो सके। और मुझे तो लग रहा है कि मैया से ज्यादा भैया लोग ज्यादा खुश हो गए हैं। देखिए यही बहुत अच्छा लगता है कि अगर भैया आगे चल रहे हैं तो मैया खुश होती हैं, मैया आगे चल रही हो तो भैया खुश होते हैं। और बहुत आपको जान करके, हाँ ये ठीक आपने बोला, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। देखिए हेमंत सोरेन जी को झारखंड में कोई रोक नहीं सकता और धरातल में कोई योजनाओं लाने के लिए कोई PIL उनको रोक नहीं सकता। ये माटी का बेटा है और माटी की आवाम के लिए, माटी की जनता के लिए ये इसी तरीके से योजनाओं की गंगा बहाएगा। और आप याद रखिएगा, जो 20 वर्ष बीजेपी के लोग शासन में रहे, ये हमारा अबुआ सरकार का 5 वर्ष अगर आप देखिएगा तो 5 वर्ष में 2 साल कोविड में गया, 3 साल हाथ में था, 5 महीना आपका दादा को षड्यंत्र करके ये बीजेपी के लोगों ने ही जेल में डाला था और निकल करके कौन सी योजना आई, मैया योजना आई। और अब झारखंड में, झारखंड की धरती में, झारखंड के लोगों के लिए 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया जा चुका है, 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने की योजना के काम के साथ जोड़ा जा रहा है और हमारे 20 लाख हमारे हरा राशन धारकों को झारखंड की सरकार ने जोड़ने का काम किया है। हम वे महागठबंधन हैं जो हर किसी को जोड़ने का काम करते हैं, आपके हाथों को मजबूत करने का काम करते हैं, आपके बुढ़ापे की लाठी बनने का काम करते हैं। और ये जो डबल इंजन की पिछली बार सरकार थी ये क्या करती थी, ये हमारे
सरकारी कर्मचारियों का जो ओल्ड पेंशन था उसको इन्होंने बंद करवाया था। हमारे सरकारी स्कूलों के, हमारे हजारों हजार सरकारी स्कूलों को ये लोग बंद करवाए थे। हमारे झारखंड का गरीबों का जो आवास घर बनाने का पैसा था उसको ये लोग जाकर के दूसरे राज्यों में भेजे थे जहाँ इनकी अपनी सरकार थी। आज ये महागठबंधन की सरकार किसकी सरकार है? आज ये सरकार है मजदूरों की, आज ये सरकार है किसानों की, आज ये सरकार है दलित पिछड़ा अगड़ा हमारे आदिवासी अल्पसंख्यक भाइयों की, क्योंकि गरीब गुरबा की ये सरकार है। और महागठबंधन सरकार झारखंड में बन के रहेगी, ये संकल्प आप लोगों को लेना है। ये बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, इनके पास बड़े बड़े धन कुबेर के लोग हैं, बड़े बड़े मजबूत लोग हैं, और ये करते क्या हैं? ये देश के गरीबों की चिंता नहीं करते, ये बड़े बड़े धन कुबेरों की चिंता करते हैं जो इनके पीछे में खड़ी रहती है। आज हिंदुस्तान में, आज भारत में हजारों हजारों करोड़ ये धन कुबेरों का जो लोन था उसको माफ कराने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा है, लेकिन इस देश के अन्नदाता जो हमारे किसान भाई हैं, जिनका 50,000 25,000 20,000 उनका रेंट था, उनका चुकाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन ये झारखंड की सरकार, ये आपकी अपनी सरकार है, और आपकी अपनी सरकार ने किसानों का, एक एक किसान का 2-2 लाख रुपए उनका जो लोन था, उनका रेंट था, वो माफ किया है। आप मुझे बताइए, यहाँ जितने भी जन खड़े हैं बैठे हैं, कितनों कितनों का बिजली बिल माफ हुआ? जरा हाथ खड़ा करिए तो। कितनों का हो गया है? हो गया है। आज झारखंड में 35 लाख परिवारों को उनका बिजली बिल माफ करने वाला कौन है? झारखंड में अब वो आवास लाने वाला कौन है? सर्वजन पेंशन लाने वाला कौन है? सावित्री बाई फूले की योजना लाने वाला कौन है? हमारे झारखंड में हमारी मैया को पहली बार आत्मसम्मान के साथ उनकी आर्थिक, उनको मजबूती देने के लिए मैया सम्मान लाने वाला कौन है? कितना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? किसका पैसा है ये? आप लोगों का पैसा है। और ये केंद्र के लोग, ये बीजेपी के लोग झारखंड के साथ हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं और हमारे साथ हमेशा भेदभाव करते हैं। इन्हें हमारे झारखंडियत और हमारे गुरूर की चिंता नहीं रहती है, इन्हें हमारे आदिवासियों की इसलिए चिंता अभी जगा गई है मन में, क्योंकि इस झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा हमारे झारखंड की धरती को चीर करके लेके जाते हैं और अपना 1-2 राज्य को चमकाते हैं। आज हमारी झारखंड की जनता ये सवाल पूछ रही है, जब 18 से 20 वर्ष आप लोग थे तो आपने हमारा 1932 का स्थानन नीति क्यों नहीं लागू किया? आप लोगों ने हमारा पिछड़ों का 27% का आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? आपको जान करके हैरानी होगी, जब ये झारखंड बना था 2000 में, पहली सरकार किसकी आती है? बीजेपी की। उस वक्त ये पहली सरकार नहीं, हमारे पिछड़ों का 27% को घटा करके 14% किया था। और 18 से 20 वर्ष ये लोग राज करते हैं और इन्हें पिछड़ों की चिंता नहीं होती। विधानसभा से हेमंत सोरेन जी ने पिछड़ों का 27% आरक्षण पारित कर दिया, हमारा आदिवासियों का सरना धर्म कोड पारित कर दिया, हमारा 1932 का स्थानीय नीति पारित कर दिया, और
दबा के बैठे हुए हैं, आज किस मुंह से आते हैं और पिछड़ों के बारे साथ में हमने सामने में हाथ फैलाते हैं। 18 से 20 वर्ष आपने जब शासन किया तब आप क्या सो रहे थे? 18 से 20 वर्ष जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थी तो क्या आप चादर तान के सो रहे थे? और जब पिछली बार डबल इंजन की सरकार आप पूरा छाती पीट के बोलते थे कि हमने 5 साल पूरे किए, हमने 5 साल पूरे किए, तो उस समय में हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण आपने पारित क्यों नहीं कराया? ये सवाल है और ये सवाल हमारे हर एक पिछड़े भाई समाज के लोगों का है, हमारे झारखंड के 1932 के स्थानीय नीति का है। हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों की, हम लड़ाई कर रहे हैं आपके हक आपके अधिकार के लिए। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, इस लड़ाई में आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? गोमिया की जनता इस बार किसको विधायक चुनेगी? सबसे पहले आकर के मॉक पोल में शामिल होना है, सबसे पहले 5 बजे पहुंच जाना है और 17C का फॉर्म भरवाना है, और 17C का फॉर्म भरा के उसमें सारा डिटेल भर करके साइन करवाइएगा। और जब तक मशीन स्ट्रांग रूम में नहीं पहुंच जाता है तब तक आप लोगों को वो जगह नहीं छोड़ना है। नोंडे चरवावा का अंत सना माजी बाबा माजी बूढ़ी साहते चांदो बराबरी गो बाबा को भोया मिसी को सनम को केंसन पास्टा को नायमा एम्मा गुनमना जोहार आपे तो बढ़ाई गया है, आपे तो बढ़ाई गया है। नुआ जहाँ चुनाव में ना आ, नुआ आबुआ हक अधिकार रिया, नुआ लड़ाई में ना आ, जहाँ आपे या दादा हेमंत सोरेन, आपे या बेटा हेमंत सोरेन लड़ाई करना है। आबुआ नुआ झारखंड दिसम रिया 1,36,000 करोड़ रिया टका जहाँ में ना आ, ओना तो केंद्र सरकार ठेन में ना आ, ओना तो आबुआ हक कान गया, ओना तो आपया टका कान गया। चुनाव हुयु कन गया अब वो अस्तित्व बंचाव लगी गए हुयु कन गया अपने साथ मिना गया से बांग हैं मिना गया से बांग आपे के लिए पे आसार दो कोया आसार दो कोया और सदाई खोल गया अब वो कन गया। और आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस जन सैलाब के लिए। गोमिया की जनता को आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, अपना प्यार अपना आशीर्वाद 20 तारीख को 2 नंबर पे तीर धनुष पे बटन दबा करके आपको भैया को अपना सेवा का मौका देना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद जय झारखंड।